अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो वीडियो वो है नैनो स्टेशन से 5AC है, ये लोको की ये डिवाइस है, UBNT की बेसिकली ये डिवाइस है और लोको इसका एक मॉडल है। तो आप लोगों को पता है UBNT की जितनी भी डिवाइसेज है उसको असेस करने के लिए 192.168.1.20 का नेटवर्क यूज़ करना पड़ता है। तो सेम प्रोसीजर हमने यूज़ की है। मैं तफसील में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम टू सेम प्रोसीजर हम हर दफ़ा फॉलो करते हैं। हमने नैनो बीम, पावर बीम और इसके अलावा लाइट बीम, उसके अलावा GPS, जितने भी डिवाइसेज हैं हमने सबको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सेम प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस या डिफ़िकल्टी नहीं है। तो खैर, सेम हमने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है। ये हमने ऑलरेडी रीसेट की हुई थी। रीसेट करने के लिए हम ऑलरेडी वीडियो अपडेट कर चुके हैं हार्ड रीसेट। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो साइन किया था हमने उसको असाइन किया था असेस पॉइंट। इस वीडियो में हम इसको लोको को हम असेस करेंगे एज अ ब्रिज मोड या एंड डिवाइस, तो मतलब स्टेशन मोड में। तो आप वो देखिएगा। तो खैर, हम लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स नज़र आ रही हैं। नैनो स्टेशन है ये, 5AC लोको है ये, और इस पर एंड डिवाइस जो है वो कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको नेक्स्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अब यहाँ जाएंगे सेटिंग में, यहाँ पे आप इसका मॉडल देख सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी वायरलेस की सेटिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली सिलेक्ट करना है स्टेशन P2P। अगर मल्टी पॉइंट है तो आप P2MP कर सकते हैं। SSID जो हमने अभी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको जितनी भी होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट वाली देखिए, ये हमने लास्ट वीडियो में असेस पॉइंट क्रिएट किया था। अब हम इसको फर्स्ट टाइम पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली सिलेक्ट करने के बाद ये लाइट AP GPS को लॉकअप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसका MAC एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। इसकी SSID जो थी वो UBNT हिट थी, उसके बाद चैनल भी था। अब इसको ऑटो रहने दीजिए और यहाँ पे ऑटो चैनल भी इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं। चैनल भी जो है वो ऑटोमेटिकली जितना भी उसको चाहिए होगा। और नेक्स्ट वायरलेस सेटिंग में जाके हमें उसका शेड की जो हमने दी थी अपने असेस पॉइंट को सेम टू सेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे उसको लॉक करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप लिमिट दे सकते हैं इसकी, इसको हम ऑफ कर देंगे और इसकी DBI जो है वो फुल कर देंगे। या फिर आप अपनी एज़ पर रिक्वायर आप जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। डिस्टेंस जो है वो हमने ऑफ करके मतलब मैनुअली सिलेक्ट कर लेना है। मेरा जो डिस्टेंस है वो 400 से 500 मीटर है, मतलब 300 से 400 मीटर, तो इसलिए मैंने इसको 1.1 किलोमीटर सेलेक्ट किया है। आप फुल भी कर दीजिए, नो इशू। बस इस पर ज़रा UPS पे थोड़ा बिजी रहेगा। तो खैर, ये करने के बाद हमने जस्ट सिंपली इसको सेव करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इसको बोल रहा है आपको फर्स्ट टाइम इसका पासवर्ड चेंज करने को, क्योंकि हमने इसको इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है वही असाइन किया हुआ है। तो इसका हम यूज़र नेम क्रिएट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जो लॉगिन करना पड़े नए यूज़र नए पासवर्ड के साथ इसको हम लॉगिन करें। ओके, यूज़र नेम हमने दिया है और पासवर्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। करंट पासवर्ड हमने एंटर किया है, इसको जस्ट सिंपली आपने सेव करना है। सेव करेंगे तो ये सेटिंग जो है पासवर्ड की सेव हो जाएगी। आप इसको सेव चेंज कर दीजिए और आपकी जो सेटिंग जो है आपने कॉन्फ़िगरेशन वो सेव हो गई है। बेसिकली हमने इसको स्टेशन मोड क्रिएट किया है। मैं पहले आपको बताता चलूँ इसको असेस कैसे करना है। आप नेटवर्क्स में जाएंगे, यहाँ पे इथरनेट में जाने के बाद चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाएं। यहाँ पे इसका IPv4 जो है उसमें हमने 1 का नेटवर्क दिया है, क्योंकि इसको असेस करने के लिए हमें 1 के नेटवर्क की ज़रूरत होती है। प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे IPv4 प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का नेटवर्क 1.100 इसकी IP हमने दी हुई है, यानी उस नेटवर्क की। और गेटवे में 1.1 का हमने उसको गेटवे दिया हुआ है। और इसको कैंसिल करते हैं, वापस चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। यहाँ से आ जाएंगे तो इस यहाँ पे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी हो गई। वायरलेस में चलते हैं, यहाँ पे आप स्टेट, यहाँ पे मोड जो है इसको मोड ब्रिज रहने दीजिएगा। एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रहने दीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, मैनेजमेंट नेटवर्क सेटिंग में आप इसको स्टैटिक IP दे सकते हैं। लास्ट को हमने 50 दिया था, इसको हम 60 दे देते हैं सेम नेटवर्क में, और इसको सेव कर देते हैं। सर्विसेज में जाने के बाद किसी भी किस्म की कोई सेटिंग नहीं करनी है आपने, इसको स्किप कर दीजिएगा। सॉरी, ये हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो रही है, हमें वेट करना पड़ेगा इसका।
क्योंकि हमने इसका आईपी चेंज किया है। अब जब ये नेक्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो यहाँ पे देखिए ये 60 के नेटवर्क से है। अब यहाँ पे एडवांस करके 1.60 के अनसेफ पे क्लिक करेंगे और जो नया यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में सेव किया था। ओके, लॉगिन करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे आने के बाद आप चाहेंगे यहाँ पे देखिए सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद सर्विसेज में जाएंगे और सिस्टम में जाएंगे। यहाँ पे आपको इसकी जो अपडेट है ये डिसेबल करनी है और कुछ भी नहीं करना। अनेबल भी रहने देंगे तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे डिवाइस का नेम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप नेम एंटर कीजिए या अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो, नहीं तो हम इसको कर देंगे सेफ। वायरलेस में जाने के बाद P2P स्टेशन और ये वो जितनी भी सेटिंग्स थी ये करने के बाद हम इसको करते हैं, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ भी किसी किस्म की कोई सेटिंग नहीं करनी है आपको, सेफ चेंज पे क्लिक कर देंगे और हमारा कनेक्शन जो वो बिल्ट हो जाएगा। ओके, अब हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्टली वायरलेस में और यहाँ पे आपको इसकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसकी जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी। तो नीचे इसकी पूरी डिटेल है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन, इस पूरे के पूरे प्रोसीजर की। सिस्टम में जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्ला एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।